हाय एवरीवन, आकाश वर्मा दिस साइड एंड वेलकम टू योर फार्मामेंट इंस्टीट्यूट। तो आज की दिस दूसरी वीडियो, तो आज सुबह से एक मतलब एक आर्टिकल व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम वगैरह पे वायरल हो रहा है कि एएसएटी जो है अपनी वो स्टाइपेंड नहीं देने वाली। ठीक है, तो काफी लोग इस चीज को सुन के पैनिक कर चुके हैं, कंफ्यूज है कि क्योंकि यार हम पढ़ते हैं तो मोटिवेशन एक वो होता है कि हाँ मनी भी है, हमें मनी मिलेगा, हम उससे अपनी फीस भर सकेंगे और अपना करियर प्लान भी आगे कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत बड़ा मोटिवेशन जीपैड की स्टाइपेंड भी था। तो जो एआईसीटी ने अब खबर निकाली कि वो नहीं देंगे, तो क्या जीपैड एस्पिरेंट, जो जीपैड क्वालिफायर्स हैं, जो मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं, उनको नहीं मिलेगा स्टाइपेंड? तो उसका सिंपल सा आंसर है कि भाई इनको मिलेगा, AICT नहीं देगा तो कोई और देगा। अब वो बॉडी कौन सी होती है तो वो अभी देखने वाली बात है, वो फ्यूचर में पता लगेगा। स्टाइपेंड मिलेगा, मैं आपको सिंपल सा रीजन बताता हूँ कि मास्टर्स करी क्यों जाती है। मास्टर्स इसलिए करी जाती है ताकि आप लोग रिसर्च करो और आगे पेटेंट्स वगैरह के लिए जाओ। ठीक है, काइंड ऑफ ये बूस्ट करता है एक किसी भी कंट्री के रिसर्च, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को। अब सिंपल सी बात है, मास्टर्स करने के लिए पूरी क्लास तो नहीं जाती। अगर बी फार्म में पढ़ रहे हो, 60-70 बच्चे हैं तो 10-15 ही मास्टर्स करते हैं, बाकी नहीं करते। बाकी जॉब या अपनी दुकान देख ली, फार्मा की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें मोटिवेशन क्या होता है, या तो एक करियर होगा या तो फिर स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फैमिली का भी रहता है कि हाँ मास्टर्स के टाइम अब भाई फी का तो देख लेना। काफी फैमिली कर देती है, काफी फैमिली नहीं कर पाती। तो स्टूडेंट सोचता है यार स्टाइपेंड है, चलो कर लेते हैं मास्टर्स, अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। तो अगर स्टाइपेंड नहीं मिलेगी तो वो स्टूडेंट कट आउट हो जाएंगे, पहले रीजन। ठीक है, वो स्टूडेंट कट आउट हो जाएंगे, वो मास्टर्स नहीं करेंगे। अब वो स्टूडेंट मास्टर नहीं करेंगे, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही कम हो गए तो कॉलेज ये जो ब्रांच खोल रखी है वो वेस्ट जाएगी, तो उनको ब्रांच बंद करनी पड़ेगी, उनका लॉस होगा। ठीक है, तीसरा ओवरऑल लॉस होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारा है ओवरऑल इंडिया का, पेटेंट्स, जो नंबर ऑफ पेटेंट्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो पब्लिश हो रहे हैं, जो यू नो कमर्शलाइज हो रहे हैं, सॉरी, तो वो नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे सिस्टम पे अगर ये स्टाइपेंड बंद होती तो। ठीक है, लेकिन बंद नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको सिंपली बता दिया इस चीज का रीजन कि भाई एजुकेशन को नहीं रोकना है। ठीक है, तो AICT जो दे रही थी अब नहीं वो देगी, शायद एक दूसरी बॉडी आएगी जो स्टाइपेंड देगी। स्टाइपेंड मिलेगी क्योंकि एजुकेशन को प्रमोट करना है, ठीक है, रिसर्च में आगे बढ़ना है, इसी वजह से स्टाइपेंड मिलेगी फॉर श्योर। ठीक है, तो उस चीज की टेंशन मत लो। अब वो कौन सी रेगुलेटरी बॉडी, कौन सी गवर्निंग बॉडी आती है जो आपको स्टाइपेंड देती है, तो वो पता लग जाएगा कुछ ही टाइम में, लेकिन अभी इतना तो है कि यह स्टाइपेंड जरूर मिलेगी। ठीक है, ये चीजें काफी है ना, ये जो न्यूज थी कि स्टाइपेंड बंद होने वाले, काफी टाइम से ही हवा में थी। मैं कहा से 6 महीने 1 साल से मैं सुन रहा था कि ऐसा होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। ठीक है, आप उस चीज के हम काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आने लग रही हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल हैविंग सेड दैट, अगर एक बॉडी नहीं दे रही है स्टेटमेंट तो दूसरी बॉडी जरूर आएगी, क्योंकि एजुकेशन को, रिसर्च को आगे बढ़ावा देना। ठीक है, तो आई होप आप लोग मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। कॉलेजेस का लॉस, बच्चों का लॉस, ठीक है, नहीं होने देंगे। फार्मेसी का जो पूरा एक हमारा फील्ड है, मेरे हिसाब से नहीं होगा, और डोंट वरी, फोर श्योर 100% कोई और बॉडी जरूर आएगी जो उस चीज को ध्यान रखेगी। ठीक